हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट में बनने वाली हेल्दी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये नो गैस, नो आटा, नो मैदा, नो सूजी, नो बेसन की रेसिपी है। बहुत झटपट और जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी रेसिपी है। इस दिवाली इसे ज़रूर एक ट्राई दीजिए और घर वाले और मेहमानों का सबका मुंह मीठा कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो आज हम 5 मिनट में बनने वाली हेल्दी मिठाई की रेसिपी लाए हैं जो छोटे बड़े सब खा सकते हैं। यहाँ पर हमको नो गैस, नो मैदा, नो आटा, नो बेसन, नो सूजी रेसिपी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये एक कटोरी भुने हुए चने हैं, वजन में ये 100 ग्राम है और इसके हमने सारे छिलके उतार दिए हैं। 100 ग्राम हमने मिश्री लिए है और मिश्री बहुत ही हेल्दी होती है, ये हम सबको पता ही है। 2 टेबलस्पून हमने घर की मलाई लिए है, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, कुछ चॉप पिस्ता, 12 हमने बादाम लिए, 12 काजू लिए और 5 इलायची लिए है। तो चलिए ये हेल्दी मिठाई की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेप यही है कि ये जो मिश्री है उसे हमें ग्राइंड करके लेना है। तो जो छोटा जार होता है मिक्सी का, जिसमें बारीक ग्राइंड होता है, उसमें हमें मिश्री डालनी है और उसके साथ हमें ये इलायची डालनी है। ये हमें एकदम बारीक इसको ग्राइंड करके लेना है। तो चलिए पहले ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब ये मिश्री और इलायची तो ग्राइंड हो गई है, लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा भी मोटा कण नहीं रहना चाहिए तो हमें उसमें जो हमारे बादाम और काजू है वो भी हम इसमें डालेंगे और ग्राइंड करके लेंगे, ताकि उसमें अगर मिश्री में अगर एक हाथ पीस अगर मोटा हो तो वो भी बारीक हो जाए। एज हम मिठाई खाएंगे तब कुछ भी मुंह में मोटा नहीं आना चाहिए। तो इसके साथ भी अब हम इसे ग्राइंड करके एकदम बारीक ले लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए एकदम बारीक ग्राइंड हो गया है और बादाम और जो काजू है उसका थोड़ा भी मॉइस्चर अगर रह गया होगा तो शुगर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके लिए हमने मिश्री के साथ ग्राइंड किए उसका ये फायदा हो जाता है। अब इसे हमें छान के लेना है, तो पहले हम इसे छान लेते हैं। अब हमने एक बड़े से बोल के ऊपर छन्नी रख दिए है ताकि हम इसे छान सकें। अब इसे हमें अच्छे से छान के लेना है ताकि कुछ भी बारीक भी कण उसमें ना मिले। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से छाना गया है और ये छोटा छोटा जो बारीक बारीक इलायची के रेशे अगर हो छिलके के, वो भी हमें वापस ग्राइंड करके लेना है। बहुत थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि बहुत अच्छे से सब ग्राइंड हो गया है। देखिए बहुत बारीक और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अभी छान के हो गया है, इसे हम साइड में रख। अब फ्रेंड्स, इसी जार में हमें ये जो चने हैं उसे ग्राइंड करके लेने हैं। हमें जो मिक्सी है उसको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट है वो भी इसमें शामिल किए, ऐड कर दिए और इसे अब हम ग्राइंड करके लेंगे। फ्रेंड्स, चने और डेसिकेटेड कोकोनट एकदम बारीक ग्राइंड हुआ है, एकदम मुलायम। ये इतना अच्छे से ग्राइंड हुआ है कि जब इसकी मिठाई बनेगी तो ये एकदम मुंह में घुल जाएगी। तो चलिए अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसी पर हमें ये जो मिक्सचर है हमारा चने और डेसिकेटेड कोकोनट का, इससे भी हमें छान के लेना है। तो हमें इसे छान लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से छाना गया है और हमारे मिक्सचर में से बहुत ही एक अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन पूरा महक उठा है। बस हमें एकदम बारीक ग्राइंड करके लेना है, वही है। बाकी ये 5 मिनट में बन जाती है ये स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें ये सब मिक्स करके लेना है ताकि सब हिल मिल जाए एक दूसरे को और सारे जो फ्लेवर्स हैं वो एक साथ आ जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, डेसिकेटेड कोकोनट, इलायची और ड्राई फ्रूट्स, इससे बहुत ही एक अच्छी खुशबू आ जाती है। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो मलाई है वो हमें मिक्स करके लेनी है। तो चलिए अब अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मलाई है वो हमें इसमें मिक्स करना है
और इन सब चीज़ों को अच्छे से गूंद के लेना है। जो मलाई है उससे और जो बादाम और काजू का जो नेचुरल ऑयल्स है उससे हमारा पूरा बाइंडिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से गूंदा गया है, ना ही ये हार्ड है और ना ही ये सॉफ्ट है। जो बादाम, काजू और डेसिकेटेड कोकोनट के नेचुरल ऑयल्स है और हमने थोड़ी सी मलाई ली है उससे बहुत अच्छे से ये गूंदा जाता है। अब जिसमें हमें सेट करना है उस पर हम अब सेट करेंगे। फ्रेंड्स, अब इस डिश में हमें उसे सेट करना है तो हमने थोड़ा सा घी लिए है और सब जगह हम घी लगा देंगे। अब इस पर हमें मार्बल पेपर रखेंगे। घी इसलिए लगाया है ताकि मार्बल पेपर अच्छे से नीचे चिटक जाए, नहीं तो मार्बल पेपर हिल सकता है। अब मार्बल पेपर पे भी हम घी लगाएंगे ताकि मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए और निकलने के लिए हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, बहुत इजीली निकल जा सकती है। अब घी तो अच्छे से सेट हो गया है सब जगह। अब इधर हम जो चॉप्ड पिस्ता है वो गार्निश करेंगे ताकि हमारी मिठाई एकदम हेल्दी हो जाए और दिखने को भी बहुत अच्छी दिखे। अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप ये मिठाई घर में बना के रख सकते हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिला सकते हो। अब ये जो मिठाई है इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब इस तरह हमें अच्छे से सेट कर देना है ताकि वो बिल्कुल जैसे दुकान में मिलती है मिठाई, होममेड मिठाई भी हम अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में रखते हैं 2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, तो अब हम आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, 2 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा था और बहुत अच्छे से हमारी हेल्दी मिठाई सेट हो गई है। अब इस पेपर को हम थोड़ा सा उठा देंगे, बहुत इजीली ये अलग हो जाता है एज हमने नीचे घी लगाया था। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में उतार देते हैं। फ्रेंड्स, प्लेट में हमें उसे अपसाइड डाउन रखना है और जो पेपर है उसे हमें स्लोली स्लोली निकाल देना है। बहुत इजीली ये निकल आती है। देखिए, बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छे से ये सेट हुई है। अब इसके हम मनचाहे साइज के पीसेस बना देते हैं। इसे हम इस तरीके से कट करेंगे, पहले ऐसे लाइंस गिरा देंगे ताकि पीस बनाने के लिए बहुत ही इजी पड़ जाएगा। आप डायमंड शेप भी दे सकते हो या स्क्वायर शेप भी दे सकते हो। हम इधर स्क्वायर शेप दे रहे हैं एज बहुत जल्दी स्क्वायर शेप एक सीधी लाइन बना देते हैं तो ये बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पीस बन गए हैं और बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। ये हेल्दी रेसिपी आप इस दिवाली ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और फ्रेंड्स को भी ये बना के खिला सकते हो, रिश्तेदारों को। बहुत हेल्दी और बहुत मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, सब आपकी खूब तारीफ करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्दी मिठाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, फीडबैक भी ज़रूर देके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो इसी तरह हम मिलेंगे अगले जायकेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद कीजिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।